नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास है हीरो स्प्लेंडर प्लस की वायरिंग। तो मैंने जो है दोस्तों इस तरीके से जो है इसको टेबल पर बिछा हुआ है और इसके सभी कनेक्शन किए हुए हैं। तो आज मैं आपको इसमें एक एक तार की जानकारी देने वाला हूँ, कैसे इसकी वायरिंग काम करती है और जो इसकी एक एक तार होती है वो किस फंक्शन की होती है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने जो है इसको ना टेबल पर बिछाया हुआ है, तो यहाँ पर जो है इसके सभी कनेक्शन किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका ये इंडिकेटर और ये सभी इंडिकेटर भी अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लाइटें हैं ये भी देखिए काम कर रही हैं। तो देखिए तो मैंने जो है इनके सभी कनेक्शन ऐसे कर दिए हैं पहले से ही। हॉर्न भी, एसटी कॉइल, फ्लैशर, बैकलाइट, फ्यूल गेज और बाकी इसमें जो जैसे कि सीडीआई वगैरह लगा है, बैटरी लगी है और ये आर्मेचर कॉइल लगी है। तो चलिए दोस्तों, हम जो है अब आपके लिए इसमें ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं कि किस तरीके से वायरिंग काम करती है और उसकी एक एक तार की आज मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं हम इसके इग्निशन स्विच से। तो देखिए हमारा जो इग्निशन स्विच है ये ऑफ हो जाता है और यहाँ पर ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो सॉकेट लगी है, तो इसमें जो चार तार होती है, मैं इसको आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। तो मेरे पास ये एक अलग एक्स्ट्रा वायरिंग है ताकि मुझे आपको बताने में आसानी हो जाए। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें तार आती है दोस्तों, ये है लाल रंग की तार जो आती है इसकी बैटरी से। ये बैटरी से नॉन स्टॉप यहाँ पर आती है, ठीक है। अगर दोस्तों बाइक की बैटरी खराब हो जाती है तो होता क्या है, इसकी सप्लाई ना डायरेक्ट इसके रेक्टिफायर से ये जुड़ी होती है, ठीक है। एक तार तो इसकी बैटरी पर चली जाती है और एक तार दोस्तों ये यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ये नॉन स्टॉप 12 वोल्ट की होती है। तो यहाँ पर जब भी हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। इसके बाद जब हम स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमने ऑन किया तो यहाँ पर 12 वोल्ट तो इसमें आ रही है, तो ये अगली जो सप्लाई छोड़ती है वो है इसकी तार में, जो है ये काली रंग की तार यानी कि ब्लैक। तो ये अपने 12 वोल्ट की सप्लाई ना इसमें छोड़ देती है, ठीक है। ये स्विच को ऑन करते ही ये इसको पकड़ लेती है, तो 12 वोल्ट की तार आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। तो ये कहां कहां पर आती है देखिए मैं आपको दिखा दूं। देखिए एक तो यहां पर आती है ये जो इसका हमारा सेल्फ स्विच होता है, ठीक है, और एक जो हमारा ये हैंडल बार स्विच होता है। ये इसलिए क्योंकि हमें जो है हॉर्न और इंडिकेटर को भी चलाना होता है, तो यहां पर ये जब पासिंग स्विच भी लगा होता है तो इसको 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। इसके बाद ये जो होती है आगे यहाँ पर ऊपर भी इसमें काली तार आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको फ्यूल गेज को भी चलाना होता है और जो ये न्यूट्रल लाइट होती है इसको भी चलाना होता है, क्योंकि इसको 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। इसके बाद ये एक तार दोस्तों चली जाती है हमारे फ्लैशर में, ठीक है, और उसके बाद ये एक चली जाती है ब्रेक स्विच में। तो ये इस प्रकार से दोस्तों ब्लैक तार जहां भी आपको मिलेगी इसमें ये 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगली तार की। अगली तार जो होती है इसमें हरी रंग की, यानी कि जो है ग्रीन रंग की तार हीरो की बाइक में दोस्तों आपको बॉडी अर्थ की देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये क्या काम करती है यहाँ पर वो मैं आपको बताता हूँ। अगली जो तार होती है इसमें ये है ब्लैक पे व्हाइट लाइन। तो ये जो तार होती है दोस्तों ये आती है इसके सीडीआई यूनिट से। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका ये सीडीआई यूनिट है, तो यहाँ से जो तार निकलती है ये है ब्लैक पे व्हाइट लाइन, तो ये जाती है स्विच पर। तो अब ये काम कैसे करती है देखिए, जो ये स्विच है ना जब हम इसको ऑन करते हैं तब तो ये जो दोनों तारें आपस में चिपकी हुई होती हैं तो ये अलग हो जाती है, ठीक है, स्विच के ऑन करने पर, और ये दोनों तारें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, स्विच के ऑन करने पर। और जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो ये तारें अलग हो जाती हैं और ये दोनों तारें ना आपस में चिपक जाती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये ब्लैक पे व्हाइट लाइन होती है ये जो होती है ना इसमें करंट की सप्लाई आती है, ठीक है, और ये बॉडी अर्थ जब हो जाती है तो ये बाइक को बंद कर देती है, इसके करंट को डिस्कनेक्ट कर देती है, ठीक है, जब हम स्विच को ऑफ करते हैं, क्योंकि ये जो करंट है ये बॉडी अर्थ के साथ 200 टच में आ गया और ये जो है इसको बंद कर देता है, तो ये इसकी सप्लाई को ना डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये जो इसमें चार तार थी ये क्या क्या काम करती है जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बात करते हैं इसकी दोस्तों इस वाली सॉकेट की, जो ये हमारे तीन तार वाली सॉकेट है। तो देखिए यहाँ पर जो इसमें ये सॉकेट आती है, यहाँ पर ये आप सॉकेट इसमें देख सकते हैं, ठीक है, ये सॉकेट आ गई। तो इसमें जो तार आती है ये है पीले रंग की जो तार आती है दोस्तों ये आती है इसके रेक्टिफायर से, ठीक है, जो हमारा ये रेक्टिफायर होता है। तो ये तार यहाँ से आती है, ठीक है, और ये जाती है इस हैंडल बार स्विच में, जो हमारा ये राइट हैंडल बार स्विच होता है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, जो मेरे पास ये स्विच पड़ा है, तो ये जो तार है ना इसमें आ जाती है और इसके अंदर जॉइंट हो जाती है। जब हम स्विच को आगे प्रेस करते हैं
तो ये पीली तार ना आगे करंट की सप्लाई इसमें छोड़ देती है, ठीक है, जिससे ये हाई और लो बीम चल जाती है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये हम जब इसको आगे करते हैं, ठीक है, तो एक बार तो ये पायलट लैंप ऑन हो गई, मेरी बॉडी की भी लाइट ऑन हो जाएगी और जो पीछे बैकलाइट होती है वो भी ऑन हो जाएगी, ठीक है। और जब हम इसको आगे प्रेस करते हैं तो हमारी मेन हेडलाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये सारा काम जो है इस पीली तार के कारण होता है, ठीक है, जो ये इसमें पीली तार होती है ये आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर ये हाई लो बीम ऐसे काम करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये यहाँ पर ये हाई लो का बटन दिया गया है, तो इसकी जो तार निकलती है दो, ये मैं आपको दिखा दूं, जो इससे आगे दो तार निकलती है वो है ये, देखिए एक है सफेद और दूसरी है ये नीले रंग की, ठीक है, नीली हाई बीम की हो गई और सफेद लो बीम की, ठीक है, ये इससे तार निकलती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली तार की, तो आपने इसको नोट कर लिया, ये पीली तार होती है इसमें लाइट की, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगली तार है इसकी, ये है हल्की हरी, देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये इस कबल की जो है हल्की हरी रंग की तार होती है, ठीक है, ये होती है इसके हॉर्न की। देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये जो तार है यहाँ पर आती है इसके हॉर्न में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तार यहाँ पर आ रही है, ठीक है, इसके अंदर, तो ये इस स्विच में ना आ जाती है, और यहाँ पर ये ब्लैक तार होती है इसके साथ पहले ही, तो यहाँ पर जब ब्लैक तार इसके टच में आ जाती है इस हरी रंग की तार में, तो ये जो है हरे रंग की तार है इसमें जो है 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है, तो ये कहां पर जाती है देखिए, तो ये आती है सीधा इसके हॉर्न पे, ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें आ गई और दूसरी ये इसको बड़ी अर्थ यहाँ से मिल गया। तो ये आपने याद रखनी है, जो इसकी हल्की हरी रंग की तार होती है ये होती है इसकी बड़ी अर्थ की। देखिए अब मैं आपको इसको बजा के दिखाता हूँ, तो अब देखिए जब मैं इसको बजाता हूँ तो ये बजने लगता है, ठीक है, तो ये हो गई इसके हॉर्न की तार। बात करते हैं अब इसकी तीसरी तार की, जो अगली इसमें तीसरी तार होती है ये है स्लेटी रंग की, जो है ग्रे कलर की, ठीक है। ये तार कहाँ पर आती है देखिए, जो हमारा फ्लैशर होता है ये जाती है इसके फ्लैशर पर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो हमारा फ्लैशर है यहाँ पर ये आ जाती है और 12 वोल्ट इसको यहीं से मिल जाती है, तो इसमें जो है ये 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है। अब ये काम कैसे करती है देखिए, जो हमारा ये स्विच है, ये हमारा इंडिकेटर का स्विच है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो ये स्लेटी रंग की तार यहाँ पर आ गई। जब इसको 12 वोल्ट इधरली वाली तार को मिल जाएगी ना, जो इसकी ये संतरी रंग की तार है, तो इसका जो है दोस्तों ये वाला इंडिकेटर चल जाएगा, ये आपने याद रखना है। तो इसका जो है ये लेफ्ट वाला इंडिकेटर चल जाएगा, जो ये ऑरेंज तार इसके साथ टच होती है, ठीक है, और दूसरी जो इसमें ये हल्की आसमानी रंग की तार होती है ये होती है इसके राइट इंडिकेटर की, ये वाली लेफ्ट इंडिकेटर की और ये वाली राइट इंडिकेटर की, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, देखिए जो ये है संतरी रंग की तार, ये है इसके लेफ्ट इंडिकेटर की, और ये हल्की आसमानी जो है ये है इसके राइट इंडिकेटर की, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं अगली तार की, अगली तार जो है इसमें ये वाला कपड़ा हम ले लेते हैं, जो इसमें ये दो तार दी गई है, देखिए यहाँ पर जो है इसकी ये पीली और सफेद लाइन, ठीक है, ये पीली और सफेद लाइन ये होती है इसकी जो हमारा ये फ्यूल गेज होती है, ठीक है, मैं देखिए आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो हमारी ये फ्यूल गेज है, ठीक है, ये फ्यूल टैंक के अंदर होती है और इससे जो तार निकलती है ये पीली पे सफेद लाइन, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो ये आ जाती है इधर, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए तो ये आ जाती है ऊपर, देखिए ये इस मशीन में ऊपर आ जाती है ये पीली पे सफेद लाइन, जो ऊपर हमें ये पेट्रोल दिखाती है कि बाइक के अंदर अब कितना पेट्रोल है, ठीक है, ये हो गई पीली पे सफेद लाइन, ये आपने याद रखनी है, ये हो गई इसकी फ्यूल गेज की। जो अगली जो इसमें तार है हल्की हरी पे रेड लाइन, तो ये आप देख सकते हैं हल्की हरी पे रेड लाइन, ठीक है, देखिए तो ये होती है इसकी न्यूट्रल लाइट की। देखिये ये कहां से आती है, देखिए जो हमारे बाइक के इंजन में यहाँ पर एक स्विच लगा होता है न्यूट्रल स्विच, ठीक है, ये होती है उसकी, ये आपने याद रखनी है। तो अब देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये तार यहाँ से होते हुए, ठीक है, ये आती है सीधी यहाँ पर ऊपर, देखिए यहाँ पर ये इसमें आ जाती है, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आ गई इसमें, देखिए तो यहाँ से इसको जो है बॉडी अर्थ मिलता है और दूसरी जो ब्लैक तार है इसमें इसको 12 वोल्ट मिल गई। तो जैसे ही दोस्तों इसको बॉडी अर्थ मिला तो ये लाइट यहाँ पर ऑन हो जाती है, ठीक है, जब हम गियर को ना न्यूट्रल में करते हैं, ठीक है, तो ये लाइट यहाँ पर ऑन हो जाती है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और जैसे ही हम बाइक को गियर में लगाते हैं तो वो पत्ती जो होती है न्यूट्रल पत्ती वो हट जाती है वहां से उस स्विच से, और जिसके चलते ये लाइट यहाँ से बंद हो जाती है, और जैसे ही हम इसको न्यूट्रल में करते हैं तो ये लाइट यहाँ पर ऑन हो जाती है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। जो इसकी ये हल्की हरी प्लस रेड लाइन होती है ये होती है इसकी न्यूट्रल लाइट की। अब बात करते हैं इसकी अगली वायरिंग की,
तो हमारी इतनी वायरिंग कंप्लीट हो गई। तो अब बात करते हैं हम इसकी इस वाले तार की। तो यहाँ पर तीन तार दी गई है, एक तो हरी रंग की, देखिए हरी रंग की जो तार है इसमें ये होती है इसकी बॉडी अर्थ की, ठीक है ये आपने याद रखनी है, ये इसका बॉडी अर्थ हो गया। किसी भी हीरो बाइक में आपको हरी तार दोस्तों बॉडी अर्थ की देखने को मिलती है, ठीक है जहां जहां भी आपको ये हरी तार मिलेगी। अगले जो दो तार है इसमें ये है आसमानी रंग की और ये है इसकी संतरी रंग की तार। जो इसकी ये आसमानी रंग की तार होती है ये होती है इसके राइट वाले इंडिकेटर की, ठीक है मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर जो है ये राइट वाले इंडिकेटर की है और जो ये संतरी तार है ये हो गई इसके लेफ्ट वाले इंडिकेटर की, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों तारे जो है पीछे जाती है पिछले वाले इंडिकेटर में, ठीक है ये आपने याद रखनी है। ये तारे यहाँ भी आ गई और ये वायरिंग से होते हुए देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये दो तारे यहाँ पर है, ठीक है और ये जो दो तार है ये यहाँ पर पीछे आ जाती है क्योंकि इसको जो है पिछले वाले इंडिकेटर चलाने होते हैं, ठीक है ये हो गई इसके इंडिकेटर की तार, ये हो गई। और जो अगली तार है ये भी इसकी हरी है, ये भी इसका बॉडी अर्थ है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी अगली तार की, अगली तार है इसकी ये ब्लैक, ब्लैक जैसे मैंने आपको बताया ये होती है इसकी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की। तो ये किसके साथ काम करती है, जब ये लाल तार के टच में आ जाती है, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये इसके साथ टच हो जाती है, जहां जहां पर आपको ये ब्लैक तार मिलेगी तो इसमें आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद जो अगली तार होती है इसमें ये वाली ब्राउन रंग की, देखिए यहाँ पर ये भूरे रंग की तार है, ठीक है तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं ये ब्राउन रंग की तार है, ये होती है इसकी बैक लाइट की और मीटर बॉडी में जो इसके लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर जो है ये दो इसमें ऊपर बल्ब लगे हुए हैं और देखिए अब ये चल जाएंगे, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं ना तो यहाँ पर देखिए ये मीटर बॉडी में लाइट ऑन हो गई, ठीक है आप यहाँ पर ये दो लाइटें देख सकते हैं, ठीक है ये लाइटें यहाँ पर ऑन हो गई। और इसके बाद जो ये तार आती है इसकी बैक लाइट में, देखिए यहाँ पर ये ब्राउन रंग की तार यहाँ पर आ गई और जिससे ये बैक लाइट हमारी ऑन हो जाती है, देखिए मैं आपको ऑन करके इसको दिखाता हूँ, देखिए ये हमारी जो है बैक लाइट यहाँ पर ऑन हो गई, ठीक है ये हमारी ब्राउन रंग की तार इसमें आ जाती है। अगली जो इसमें दो तार होती है ये है हल्की आसमानी और ये जो है संतरी रंग की, ठीक है ये जैसे मैंने आपको बता दिया, ये जो आसमानी रंग की तार होती है ये है राइट वाले इंडिकेटर की, ठीक है ये इसका राइट इंडिकेटर हो गया। और जो इसकी ये तार होती है संतरी रंग की ये हो गई इसके लेफ्ट वाले इंडिकेटर की, ठीक है ये आपने याद रखनी है। तो ये हो गई, अब बची इसकी दो तार, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसमें तार है ये है इसमें हल्की हरी और पीली लाइन। तो ये जो इसमें तार होती है ये दी गई है इसके ब्रेक स्विच की, जब हम ब्रेक को दबाते हैं ना अगले वाले या फिर पिछले वाले को तो इसकी बैक लाइट ये ऑन हो जाती है, देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये इसमें तार है ग्रीन पे येलो लाइन, तो आप देख सकते हैं ये इसकी बैक लाइट की होती है, जैसे हम ब्रेक को दबाएंगे तो देखिए अब ये हमारी जो है बैक लाइट यहां से ऑन हो जाएगी, मैंने स्विच यहां पर लगाया हुआ है तो देखिए ये जो है इसके साथ ऑन हो रही है, ठीक है आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं इस बल्ब में, एक तो जब हम लाइट को ऑन करते हैं तब ऑन हो जाएगी और दूसरी जब हम ब्रेक को दबाएंगे तब दोस्तों ये हमारी बैक लाइट ऑन हो जाएगी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये तो हमारी हो गई स्विच के साथ ऑन लाइट जैसे ही हमने दोस्तों लाइट को ऑन किया, और ये हमारी इसके साथ हो जाती है ब्रेक स्विच के साथ, ठीक है। तो ये जो इसमें तार होती है ये होती है इसके ब्रेक स्विच की हरी पे हल्की पीली लाइन, ठीक है ये आपने याद रखनी है। अब बची इसकी आखिरी तार आगे वाले मेन गुच्छे की, तो यहाँ पर आप ये तार देख सकते हैं जो होती है इसकी पिंक रंग की गुलाबी रंग की। दोस्तों ये तार एक इसमें स्पेशल दी गई है जो होती है इस डिवाइस की, जो इसमें ये सेंसर लगा है, ठीक है और ये क्या काम करता है इसके बारे में आपने जो है मुझे बताना है, हर किसी ने दोस्तों मेरे को ये बताना है। अगर जिस भाई को सही पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भी दोस्तों आप अपना ओपिनियन देंगे कि हाँ हमें इसके बारे में जानकारी है या नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो अगर जिन भाइयों को नहीं भी होगी वो अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो यहाँ पर ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है, आपने मेरे को इसके बारे में जानकारी देनी है, ठीक है। तो ये पिंक तार इस डिवाइस की होती है, ये क्या काम करती है इसके बारे में मुझे आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो ये थी इसके अगले वाले हिस्से की वायरिंग, जो आगे दोस्तों ये इसमें वायरिंग आती है, ठीक है जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आगे इसमें वायरिंग आ रही है, तो ये इस चीज की होती है। तो मैं आपको एक तार और बता दूं, शायद मैंने बताई या नहीं बताई, तो जो इसमें ये
हमारा सेल्फ स्विच होता है। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं जो इसकी तार होती है, ये है पीली पे रेड लाइन, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर ये जो इस पे ये पीली पे रेड लाइन, ठीक है, ये आपने याद रखनी है, ये होती है इसकी सेल्फ स्विच की। जैसे हम सेल्फ स्विच को प्रेस करते हैं तो ये जो तार है ये 12 वोल्ट के टच में आ जाती है, जो हमारी ये 12 वोल्ट की है तो इसमें ये 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है, तो ये आ जाती है दोस्तों इसके सेल्फ रिले पर। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूं, जो इसमें ये हमारा सेल्फ रिले होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाती है, तो ये इससे कट मारता है और आगे जो सप्लाई निकलती है वो जाती है इसकी सेल्फ मोटर पर, ठीक है। तो ये तार हो गई इसमें पीली पे रेड लाइन, ये हो गई इसकी सेल्फ वायरिंग की। तो दोस्तों ये हमारे आगे वाले हिस्से की वायरिंग थी जो मैंने आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं इसके पिछले वाले हिस्से की। तो देखिए यहाँ तो हमारी तार आती है, इसके बाद ये है हमारी ब्लैक पे येलो लाइन, तो ये होती है इसकी एस्टिक वायर की, जो हमारे हाथ में ये एस्टिक वायर है, ठीक है, और इसको दूसरा बढ़िया चाहिए जो है हरी तार, ठीक है, ये हो गई इसकी। इसके बाद आगे जो इसमें तार आती है, देखिए आप लोगों को मैं दिखा दूं, जो यहाँ पर ये जोड़ होता है ये हरी तार हो गई और दूसरी हरी पे सफेद लाइन। तो दोस्तों ये भी इसका बॉडी अर्थ होता है हीरो की बाइक में, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हरी पे सफेद लाइन है और ये बिल्कुल हरी है, तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट होती है। देखिए ये कहाँ पर होती है मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इसमें ये हरी पे सफेद लाइन है ये इसमें आ जाती है, और एक ये वाली, ठीक है, दो इसमें हरी हो गई। अगर ये कट जाती है, ठीक है, तब भी इसको बुढ़िया मिलता रहता है, और ये कट जाती है तब भी इसको बुढ़िया मिलता रहता है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम इसके अगले वाले हिस्से की। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं जो है इसका ये रेक्टिफायर वाला सॉकेट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इसमें ये तार आती है आर्मेचर कॉइल से, तो इसमें ये आर्मेचर कॉइल से दोस्तों तार आती है, यहाँ पर देखिए जो है सफेद और ये पीली, ठीक है, ये दोनों तारे इसमें आ जाती है आर्मेचर कॉइल से, मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर ये हमारे आर्मेचर कॉइल है, तो यहाँ से दो तार आती है, एक ये पीली हो गई, ठीक है, और दूसरी हो गई दोस्तों ये वाली इसमें सफेद रंग की, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो ये दोनों तारे जो है दोस्तों इस रेक्टिफायर के बेस पर काम करती है, देखिए मैं आपको दिखा दूं, जो ये यहाँ पर लगा होता है, ठीक है, तो ये दोनों तारे ना इसमें जाएंगी और बदले में ये इससे आउटपुट निकालेंगे रेड तार, जिसमें हमारी पॉजिटिव तार निकलती है जब बैटरी हमारी चार्जिंग होती है, और यही तार आगे स्विच पर चली जाती है, ठीक है, और यही तार दोस्तों जो हमारी पीली तार है ना यही ज्वाइंट हो जाती है, तो ये यहाँ पर ज्वाइंट हो जाती है और ये चली जाती है आगे लाइट स्विच में, ठीक है, जो हमारा ये लाइट स्विच होता है जिसके बदौलत हमारी मेन हेडलाइट ऑन होती है, ठीक है, ये आपने याद रखनी। इसके बाद बात करते हैं अगली वायरिंग की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी ये सॉकेट है, यहाँ पर जो कवर लगा है, तो इसमें भी दोस्तों तारें दी गई हैं, ये सफेद पीली जो मैंने आपको दिखाई ये आर्मेचर कॉइल से आती है यहाँ पर, ठीक है, और जो हरी है ये इसका बॉडी अर्थ हो गया, और जो यहाँ पर ये आप हल्की हरी पे रेड लाइन देख सकते हैं ये होती है इसकी न्यूट्रल स्विच की, ठीक है, ये आपने याद रखनी है, ये न्यूट्रल लाइट की यहाँ पर तार है, ठीक है। तो इसके बाद जो आगे इसमें तार है ये है कॉइल की, जो होती है इसकी स्टार्टिंग कॉइल और पिकअप कॉइल की, जो इसमें ये रेड पे आप काली रंग की तार देख सकते हैं, तो ये होती है इसकी मेन स्टार्टिंग कॉइल की, ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं, देखिए ये जो इसमें स्टार्टिंग कॉइल होती है ये होती है इसकी रेड पे ब्लैक लाइन, ये आपने याद रखनी है, और जो दूसरी इसमें तार होती है ये ब्लू पे व्हाइट लाइन, ये होती है इसकी पिकअप कॉइल की, जिसको हम सीके पे सेंसर बोलते हैं, ठीक है, ये दो इसमें तार हो गई। और अगली जो इसमें दो तारें बची हैं, देखिए ये जो मैंने आपको बता दी एक हरी, ये तो इसका बॉडी अर्थ हो गया, और दूसरी जो पीली पे सफेद लाइन है ये होती है इस गेज की, जो हमारी ये फ्यूल गेज होती है, ठीक है, जब ये फ्यूल टैंक के अंदर होती है और जब पेट्रोल बाइक के अंदर होता है तो ये ना ऐसे ऊपर तैरती रहती है, तो ये बता देगी कि बाइक के अंदर कितना पेट्रोल है, ठीक है, तो ये होती है इसकी पीली पे सफेद लाइन तार। अब इसका जो ये अगला कपलर है ये है व्हाइट, और जिसमें दो तार दी गई है, एक तो ब्लैक 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की और दूसरी है ग्रीन पे येलो लाइन, तो जब हम इस स्विच को पुश खींचते हैं ना तो इससे जो है हमारी बैक लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और जो इसमें अगली दो तार है ये है फ्लैशर की, जो स्लेटी रंग की होती है ये फ्लैशर की होती है, और जो ब्लैक होती है ये है इसका पॉजिटिव अर्थ, क्योंकि फ्लैशर को जो है पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव बेस पर ही काम करता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं यहां वाली वायरिंग की। तो अब आ गया इसका ये सीडीआई यूनिट। तो यहां पर देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये जो इसका सीडी यूनिट होता है यहां पर जो है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको दिखाया
एक तो ये रेड पे ब्लैक लाइन होती है, ये होती है इसकी स्टार्टिंग कॉइल की, ये आपने याद रखनी है, जो यहाँ पर ये इसके अंदर इनपुट जाती है, और दूसरी जो इससे आउटपुट निकलती है वो है ब्लैक पे व्हाइट लाइन। जो दोस्तों ये बॉडी अर्थ कहीं पर हो जाती है तब हमारी बाइक की जो है स्टार्ट नहीं होगी, इसको जो है करंट पुनः डिस्कनेक्ट कर देगी और ये आगे करंट की सप्लाई नहीं देगी। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। अब ये इसके दूसरे वाली सॉकेट है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो है इसके अंदर ये तार ब्लैक पे व्हाइट येलो लाइन, ठीक है, ये होती है इसकी एसटी कॉइल की, जो इससे ये सीडीआई से जो है आउटपुट निकलती है। ठीक है, और जो अगली तार है इसमें ये ब्लू पे व्हाइट लाइन, ये होती है इसकी पिकअप कॉइल की, ये भी इसमें इनपुट होती है। और जो इसमें ये दो तार है, एक हरी और दूसरी हरी पे सफेद, ये दोस्तों इसमें इनपुट होती है, जो होती है इसकी बॉडी अर्थ की। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो दोनों तारे हैं यहाँ पर ये ज्वाइंट है। ठीक है, अगर ये अलग भी हो जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बॉडी अर्थ एक तार से जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर ये दोनों यहाँ से कट हो जाती है तब दोस्तों यहाँ पर यह आपकी बाइक में करंट नहीं आएगा, क्योंकि सीडीआई यूनिट को जो है अर्थ की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि पूरी बाइक को जो है बॉडी अर्थ तो चाहिए ही। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर जो इसमें ये तार होती है ये है इसका फ्यूज। ठीक है, अगर मान लो कहीं आगे वायरिंग शॉर्ट हो जाती है तो इसका ये बैटरी वाला फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, तो ये इसमें दो तार हो गई, रेड और ये ग्रीन, तो ये इसकी पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव जो हमने बैटरी से जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं पिछले वाली वायरिंग पर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप लोगों को पता है तो ये इसकी जो है हल्की आसमानी रंग की तार होती है, ये हो गई इसके राइट वाले इंडिकेटर की। ठीक है, ये इसका बॉडी अर्थ हो गया ग्रीन रंग की तार, और जो इसकी ये तार होती है संतरी रंग की, ये हो गई इसके लेफ्ट वाले इंडिकेटर की। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और जो इसमें ये पिंक रंग की तार होती है, ये होती है इस डिवाइस की जो इसमें लगा होता है, तो आपने मेरे को इसकी जानकारी देनी है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है और क्या इसका सही नाम है। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। और जो इसमें ये तीन तार बची है, ये इसकी हरी तार है बॉडी अर्थ की, ब्राउन तार हो गई इसकी बैकलाइट और मीटर लाइट की। ठीक है, और जो इसमें ये हरी पे येलो रंग की तार होती है, ये होती है इसकी बैकलाइट की। ठीक है, जब हम स्विच को प्रेस करते हैं, अगले वाले ब्रेक को दबाते हैं या पिछले वाले ब्रेक को दबाते हैं, तो ये बैकलाइट हमारी ऑन हो जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी हीरो स्प्लेंडर प्लस की वायरिंग, जो मैंने आपको इसमें जानकारी दी। तो दोस्तों ये वायरिंग इस तरीके से काम करती है, और ये इसी तरह से दोस्तों बाइक के अंदर ना इंस्टॉल हुई होती है। ठीक है, तो आपको अगर इस वायरिंग से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, नॉलेज मिली होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। हम इसी तरह से आपके लिए नॉलेजफुल वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे और उनमें आपको सही तरीके से जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इसकी वायरिंग काम करती है, और मैंने आपको इसमें एक एक तार की जानकारी दे दी कि ये जो वायरिंग है ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।